अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्लास 7 सब्जेक्ट जीके में आज हम लेंगे चैप्टर 21 कंप्यूटर क्विज। नाउ यहाँ पर हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें कुछ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, उसमें सही आंसर सिलेक्ट करके हमें इस ब्लैंक में लिखना रहेगा। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, डैश इज़ द यूज टू सेंड मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट। तो देखिए, यहाँ पर हमको अगर इंटरनेट के बेस से हमें कुछ मैसेजेस वगैरह सेंड करने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये तीन जो आंसर दिए हुए हैं, WWW, ईमेल एंड वेब ब्राउज़र, उससे हमें ईमेल वाला सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज हमको किसी को मैसेज पास करना रहता है उस वक्त हम ईमेल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डब्ल्यू डैश कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसका आंसर हमारा आएगा WAN, वैन। आप लोगों को यहाँ से ये वाला आंसर अपनी ब्लैंक में लिखना रहेगा। फर्स्ट वाले में हम ईमेल लिखेंगे, सेकंड में WAN, वैन लिखेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डैश इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट पर हम अगर कुछ सर्च करते हैं तो वो उसका कौन सा पेज होता है, तो उसे हम फर्स्ट पेज नहीं बोलते हैं, उसे वेब पेज भी नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होम पेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होम पेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ पॉपुलर सर्च इंजन। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है इंटरनेट के बेस से तो हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पर। तो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन जो है वो गूगल है। यहाँ पर हम गूगल पर टिक करके यहाँ पर आंसर में हम गूगल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द ईमेल्स दैट यू रिसीव आर स्टोर्ड इन द डैश फोल्डर। अगर हमने किसी को मेल करना है तो हम मेल करते हैं, लेकिन अगर किसी सामने वाले पर्सन ने हमें मेल किया हुआ है तो वो हमारा मेल जो आते हैं उसे कौन सा बॉक्स बोला जाता है, तो उसे हम इनबॉक्स बोलते हैं। हमारे जितने भी मेल आते हैं वो हमारे इनबॉक्स में स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इनबॉक्स। नंबर 6, द एंड टैग ऑलवेज कंटेन्स। अब देखिए, यहाँ पर हमेशा एंड टैग जो है वो ए से स्लैश के साइन से कंप्लीट होता है, तो हमें ऑलवेज एंड टैग के लिए ये स्लैश वाला साइन यूज़ करना है। आप लोग भी अपनी बुक में बेटा ऐसे ही कंप्लीट कर लो। नाउ नंबर 7, द HTML डॉक्यूमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ। अभी देखिए, HTML में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो HTML में जो भी लिखना होता है उसे हमें ये एंगुलर टैग में लिखना रहता है। आप लोगों को पता है कि इस तरह का टैग जो है इसे एंगुलर टैग बोला जाता है, तो जो कि यहाँ पर हमको करना रहता है। पर जब HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं उस वक्त हमें एंगुलर टैग में HTML लिखना होता है, यानी कि HTML का जो भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा वो एंगुलर टैग में HTML लिखा होगा उससे स्टार्ट होगा। तो बेटा यहाँ पर 1 to 7 मैंने लिखी हुई है ब्लैंक्स, आप लोग भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लो। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ सेट ऑफ अ प्रिसाइज रूल्स फॉर द एकम्प्लिसिंग अ टास्क और फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो नाउ उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम का, ठीक है, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं हम, और कोई भी टास्क क्या सॉल्व करना होता है तो। नाउ नेक्स्ट नंबर 9, द डैश सिंबल इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोसेस। नंबर 10, द डैश सिंबल इंडिकेट्स द पथ टू बी फॉलोड। उसके लिए हमारा आंसर रहेगा फ्लो लाइन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेटा, ये जो फ्लो लाइन है ये आपको अपनी ब्लैंक में लिखना रहेगा। नाउ नंबर 11, टू क्लोज द एक्टिव वर्कशीट ऑन द फाइल मेनू क्लिक ऑन डैश। अगर आपकी वर्कशीट, देखिए यहाँ पर हमको बोला है वर्कशीट को क्लोज करना है, तो फाइल मेनू से कौन से बटन पे हमको क्लिक करना रहेगा? अभी हम फाइल मेनू से क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट नंबर, डैश डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। तो उसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर नेम बॉक्स लिखोगे। नंबर 13, टू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट क्लिक ऑन। अगर हमें वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर अगर हमें न्यू वर्कशीट, न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है या न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो हमें ऑलवेज न्यू पे क्लिक करना रहता है, तो यहाँ पर हमारा न्यू आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेट अ कॉलम क्लिक ऑन। देखिए, अगर कॉलम फॉर्मेट करना है देन फर्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड कॉलम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऑटोफिट सिलेक्शन से क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑटोफिट
सिलेक्शन, आप यहाँ पे आउट ऑफ इट सिलेक्शन आंसर लिखोगे। नाउ नेक्स्ट नंबर 15 देखें तो डैश की इज़ यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल। अगर सिलेक्टेड सेल का कंटेंट जो है उसे एडिट करना है आप लोगों को, तो आप कौन से वाले की को प्रेस करोगे, तो टैब बटन क्लिक करोगे, एंटर करोगे, या फिर F5। तो यहाँ पे हमारा आंसर F5 रहेगा, यहाँ पे हमको F5 लिखना रहेगा। देखें बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों को 8 to 15 हमारे ब्लैंक्स यहाँ पर बताए हुए हैं। अपनी वर्कबुक में बेटा 8 to 15 भी ऐसे ही कंप्लीट कर लो। यहाँ से आप 1 to 7 कंप्लीट करोगे और यहाँ से आप 8 to 15 कंप्लीट करोगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।